अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुखारी पेट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप सबको मालूम है कि मेरी दो कैट ने बच्चे दिए हैं, स्वीटी ने फर्स्ट टाइम दिए हैं और जारी ने तो फोर्थ टाइम दिए हैं मेरे पास। तो ये स्वीटी बच्चे वे साफ़ नहीं कर रही थी तो मैंने जारी के नीचे रखा, सुबह जारी के दूध पिलाया, फिर दो दिन तकरीबन इसने मुझे उठाए रखा है। इस वजह से मैं सोया, जब उठा तो इसकी हालत फिर वैसी ही थी जैसे कंडीशन में होती है। इस कंडीशन में मतलब ज़ुबान बाहर निकाल के हाँफ रही थी कुत्ते की तरह, जैसे डॉग हाँफते हैं। फिर मैंने कूलर वगैरह सब कुछ इसके सामने किया, फिर मुझे लगा कि ये शायद अभी बेबी रहता हो इसके पेट में। मैं डॉक्टर के पास ले गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, पर उसमें कोई बेबी नहीं था। बुखार था 104.3 पे, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। जब वापस आया तो ये किडनी का मरा हुआ था। मैंने लैक्टोजन वगैरह भी पिलाया इसे, पगर मगर नहीं पिया। देखिए अभी मुंह पे लगा हुआ है, एक बच्चा माशाल्लाह से है। डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी है, इंजेक्शन लगाए हैं, साथ में एक क्रीम दी है। छुट्टी ये लो, इसको मैंने इसको भी खिलाई है, थोड़ी सी चारी को भी खिलाई है। ये फर्स्ट टाइम है, डॉक्टर साहब मैंने बात की, कह रहा है फर्स्ट टाइम में ऐसे होता है क्योंकि कैट को पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। वो टेंशन में डिप्रेशन में चली जाती है, क्या हो रहा है उसका, एक ऊपर से पेन आप समझ सकते हैं कितना होता है। ये इसको मैंने चेन बांधी हुई है, ये चारी के बॉक्स में भाग जाती है, फिर लड़ती हैं। एक बच्चा ये देखो माशाल्लाह फिट कर रहा है, हेल्थी है। देखिए अभी भी गर्मी की वजह से हाफ रही है। तो एक बच्चा ये दूध पी लेगा, ग्रोथ अच्छी कर लेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।